उन्नर ने कहानी भेजी है और उन्होंने बताया है कि ये किस्सा उनके दादाजी के साथ हुआ था। तो मैं इसे ऐसी सुनाऊंगा जैसे ये उन्नत की कहानी, ठीक है? मैं दादाजी के बजाय उन्नत बोलूंगा। तो जब उन्नत यंग था, मतलब होगा 21-22 साल का, तो उन्हें लगा कि एक ट्रैक पे जाना चाहिए हमें, पहाड़ों में कहीं। टेक्नोलॉजी तब होती नहीं थी, गूगल मैप्स वगैरह नहीं होते थे, तो आपको अपनी इंट्यूशन और लोगों से पूछ पाछ के ही रास्ता पता करना होता था। तो ये लोग अपना सारा टीम, टप्पर यानी कि सब सामान, टेंट भी लेके चल रहे हैं ताकि रुकना पड़े रात को। स्लीपिंग बैग्स नहीं होते थे तब, याद रखिए। तो इनके पास लालटेन हैं, टॉर्चेस हैं, खाने पीने का थोड़ा सामान है, ये सब वो लादे लादे चल रहे हैं। और इन्हें लगता है कि ये लोग रास्ता भटक गए हैं, अंधेरा होने लगा है और ये लोग एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जो एक प्लेट्यू है, एक लेकिन बहुत खूबसूरत प्लेट्यू है। और यहाँ पे रुइंस हैं, शायद यहाँ पर कभी कोई किला हुआ करता होगा, आजकल खंडर है। ठंड बढ़ रही है, इन्हें लग रहा है कि या तो अब हमें टेंट लगाना पड़ेगा या फिर रुकने के लिए कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों ने डिसाइड करा कि हम तो यहाँ पर ट्रैक करने आए हैं, टेंट ही लगाते हैं। ये लोग टेंट लगाने की शुरुआत कर ही रहे हैं कि इतने में दूर इन्हें एक परछाई खड़ी दिखती है। ये देखते हैं कौन है, और ये परछाई धीरे धीरे इनके पास आना शुरू करती है। एक 35-40 साल का आदमी खड़ा होकर इन्हें देख रहा है, पूछता है कौन लोगों आप। ये लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हैं बट बता देते हैं कि देखिए हम यहाँ कैंपिंग के लिए आए हैं और हम लोग अपना कैंपिंग का सामान जमा रहे हैं, सुबह यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो कहता है अरे आप मेरे घर चलिए, मैं आपको वहां बढ़िया खाना खिलाऊंगा, रहने की जगह दूंगा। अब देखिए जमाना कोई भी हो, अनजान लोगों पर भरोसा करना हमेशा मुश्किल रहा है, ऊपर से वो अनजान जो एक अजीब सी जगह पर अचानक आपके सामने आ गया हो। तो उन्नत ने और उनके दोस्तों ने कहा अरे आप क्यों तकलीफ लेते हैं, हम लोग टेंट में अपना काम चला लेंगे, आपने हमसे पूछा यही बहुत है, शुक्रिया इसके लिए। तो आदमी बोला नहीं नहीं अरे ऐसे कैसे, आप तो मेहमान हैं, यहाँ पे बहुत ठंड होगी ना, घर में चलिए, घर में आराम से सोइएगा। अभी लोग मना करें अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। इतने में उस आदमी की टोन अचानक से बदल जाती है, मैं कह रहा हूं मेरे घर चलो। तीनों दोस्त एकदम चुप हो जाते हैं। वो आदमी उसके बाद इंतजार नहीं करता है, वो इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है और मुड़कर धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। तीनों दोस्त आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि करना क्या चाहिए, कोई फैसला नहीं होता है। और थोड़ी देर बाद तीनों के तीनों उसके पीछे चलने लगते हैं और अब उस आदमी का मूड वापस से पहले जैसा हो गया। अरे पता है हमारा गांव बड़ा छोटा है, ज्यादा लोग नहीं है यहाँ, लेकिन जो भी हैं अच्छे लोग हैं, खाने में क्या खाएंगे आप लोग, मेरे पास ये है वो है, ये बना दूंगा वो बना दूंगा, ये बड़ा अच्छा बनाता हूँ। यही बातें करते करते उसका घर आ गया, छोटा सा घर। तीनों अंदर घुसे, तीनों को उसने बिठाया बड़े प्यार से, पानी पूछा, चाय वाय पूछी, खाना परोसा। खाना परोसने के बाद वो बोला कि देखिए अब आप लोगों ने खाना तो खा लिया है, अब जल्दी से सो जाइए, है ना, जल्दी सो जाते हैं, देर नहीं करते हैं। ये कहकर उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर से सांकल लगा दी और बोला मैं यहाँ दरवाजे के पास सोऊंगा और कुछ भी अगर जरूरत हो मुझे उठा देना रात को, ठीक है, मुझे उठाए बिना कुछ मत करना इस घर में। तीन बिस्तर इसने कोने में लगा ही दिए थे खाना खाने से पहले। अब तीनों दोस्त सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर रात बितानी चाहिए या जब ये सो जाए हम चुपचाप उठें और यहां से भाग जाएं। तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि जब ये आदमी सो जाएगा हम चुपचाप अपना सामान उठाएंगे और यहां से निकल लेंगे, और इसीलिए उन्होंने सोने से पहले अपना सामान बैग्स में बांधकर तैयार रख दिया था। रात हुई, गहरी रात हुई, सब सो रहे हैं। अचानक उन्नत की आंख खुलती है क्योंकि वो सो नहीं रहा था, वो एक्टिंग कर रहा था। वो अपने बाकी दोस्तों को उठाता है, जल्दी निकलो चुप चुप चुप, शोर नहीं शोर नहीं शोर नहीं। तीनों दोस्त अपने बैग उठा ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें उस आदमी की आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो। तीनों देखते हैं कि वो आदमी इनके और उस घर के दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और उन तीनों की तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा है। मैंने बोला था सुबह होने से पहले इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा और अगर कुछ भी करना है मुझसे पूछना पड़ेगा, कहां जा रहे थे तुम लोग। उस आदमी की टोन वापस से चेंज हो चुकी थी। उस आदमी का वही रूप और उसके हाथ में थमी कुल्हाड़ी देखकर तीनों दोस्तों ने अपना बैग चुपचाप नीचे रख दिया।
अब वो आदमी एक एक करके इन तीनों को देख रहा है और अपने हाथ में थमी कुल्हाड़ी को और कस के पकड़ रहा है। इन तीनों को लगा शायद वो इनमें से किसी एक को चुन रहा है। अब तीनों सोच ही रहे हैं कि हम क्या करें कि इतने में बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। घर के बाहर कोई चलता हुआ आ रहा है और आते ही वो दरवाजा पीटता है घर का। क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। क्या कर रहे हो तुम लोग अंदर? तीनों लोग सोच रहे हैं कि हम चिल्लाएं, मदद मांगें, क्या करें, और वो आदमी कह रहा है चुप चुप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी के मुंह से, चुप हो जाओ, बोलना नहीं, बोलना नहीं। और ये तीनों अपनी सांस रोके खड़े हैं। ऊपर से वहां कौन है अंदर, क्या हो रहा है, दरवाजा खोलो। यही सब चल रहा है। इन तीनों दोस्तों में से एक की हिम्मत बढ़ती है, वो चिल्लाता है मदद करो, ये आदमी मैं जाने नहीं दे रहा। एक दोस्त जिसकी हिम्मत थोड़ी बड़ी थी वो उठता है, उस आदमी ने कुल्हाड़ी खींची अपने सिर के पीछे और वो मारने को तैयार हुआ। बैठ जा, मार दूंगा, बैठ। वो दोस्त नीचे बैठ गया। करीब आधे एक घंटे तक ये ड्रामा चला और वो जो कोई भी था बाहर बाहर से आवाज लगा रहे, तुम्हें मदद चाहिए तो दरवाजा खोलो, मैं आता हूं अंदर, मुझे बताओ, मुझे अंदर आने दो। लेकिन उस आदमी और उसकी कुल्हाड़ी ने इन दोस्तों को हिलने भी नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ये आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर से एक हंसी की आवाज आई। बच गए, आज बच गए तुम, पर मैं फिर आऊंगा और कभी ना कभी तो दरवाजा खोलोगे। इसके बाद उन लोगों ने घर के बाहर फुटस्टेप्स की आवाज सुनी जो घर से दूर जा रही थी। वो आदमी मानो उन फुटस्टेप्स को अपने दिमाग में काउंट कर रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 30, 40, गया 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 ना, गया ना ये। और ये रियलाइज होते ही कि वो जो भी था जा चुका है, वो आदमी धम्म से जमीन पे बैठ गया और कुल्हाड़ी उसने दूर फेंक दी। उसके बदन पे पसीने की लकीरें उभर आई थी। वो इन तीनों की तरफ देखने लगा और बोला, इसी की वजह से मैं तुम्हें बाहर नहीं रुकने दे रहा था। अगर तुम लोग बाहर टेंट लगाते, अब तक तुम्हें फाड़ कर खा चुका होता ये। उन्नत ने पूछा, तो इसका मतलब वो आप कुल्हाड़ी लेकर हमें उससे बचा रहे थे? उस आदमी ने उन्नत की तरफ देखा। कुल्हाड़ी तो मैंने तुम्हारे लिए ही उठाई थी, क्योंकि हर बार कोई ना कोई दरवाजा खोल ही देता है। अगर तुम में से एक भी दरवाजे की तरफ बढ़ता, मैं उसका सर फाड़ देता। वो कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए थी। अब सो जाओ और सुबह होते ही यहां से निकल जाना, और भूल कर भी कभी इस जगह पर दोबारा मत आना।